आपका हमारे YouTube चैनल रेसिपी कशेफ सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको जो है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जो हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे। इससे पहले थोड़ी जानकारी ले लीजिए, हमारा जो है छोटा सा स्कूल है SP जूनियर हाई स्कूल के नाम से, और ये हमारी क्वालिफिकेशन है। हमारा जो है सरस्वती कोचिंग सेंटर के नाम से जो है कोचिंग सेंटर भी है, ये हमारी जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, यदि आप ड्राइंग में इंटरेस्टेड है तो इसको कर लीजिए। एक ड्राइंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बिना बीएड के टीचर बना सकते हैं। आप जो है IGD बॉम्बे कर लीजिए और टेक्निकल ड्राइंग से इंटरमीडिएट कर लीजिए। बाकी आपका जो है ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से है तो आप TGT का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, UP TGT। काफ़ी अच्छा कोर्स है, आपको कर लेना चाहिए। यदि आप ड्राइंग में इंटरेस्टेड है तो बिना बीएड के आपको टीचर बना सकता है। ये हमारी क्वालिफिकेशन हो जाएगी MSc MA MEd IGD बॉम्बे ग्रेड से है। इसमें आपको ग्रेड मिलता है A, B और C। CTET 10 बार क्वालिफाई, UP TET 5 बार, उत्तराखंड TET, HTET और रीट आदि, और UP TGT भी क्वालिफाई है। कुछ मार्क्स से जो है इंटरव्यू में रह गए थे। अभी जो है KVS का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें भी 123 स्कोर बना है विदाउट एनी प्रिपरेशन, शायद इंटरव्यू लेटर आ जाए। चलिए देखते हैं जो हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा, जिज्ञासु। नेक्स्ट देखिए, जो किए गए उपकार को न मानता हो, उसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कर्तघन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53, जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो, तो इसका जो है ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, पर छिद्रनिवेशी। क्वेश्चन नंबर 54, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, विमाता। क्वेश्चन नंबर 55, जिसे जीता ना जा सके, तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा, अजय। नेक्स्ट, जो इंद्रियों से परे उसे क्या कहेंगे, तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा, अगोचर। नेक्स्ट देखिए, ताजमहल खाली स्थान का अद्भुत नमूना है, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, स्थापत्य कला का। क्वेश्चन नंबर 58, ईश्वर की कृपा से जो है मूक भी खाली स्थान हो सकता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, वाचाल। क्वेश्चन नंबर 59, मंदिर में खाली स्थान मिलता है, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 60, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राम कलम से लिखता है वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 62, जो विद्वान होते हैं वे विनयी होते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इनको आप पढ़ लीजिए, तो इसका ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा, विजय लिखते लिखते सो गया। यदि आपको हिंदी अच्छे से आती है तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लीजिए, आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी आप। निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा, बस नदी में गिर पड़ी। नेक्स्ट देखिए, मुख मयंक राम मंजू मनोहर में अलंकार है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, उपमा। नेक्स्ट देखिए, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ हो, तो वहाँ अलंकार होता है, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 67, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, रूपक। क्वेश्चन नंबर 68, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, यमक। क्वेश्चन नंबर 69, कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय
उई खाए बोरात, नर ई पाए बोराई। ऑप्शन जो है इसका बी सही हो जाएगा, विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 70, रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस सून। तो इसका ऑप्शन जो है मोती मानस चून, इसका ऑप्शन जो है कौन सा अलंकार है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्लेष। नेक्स्ट देखिए, श्रृंगार रस का स्थाई भाव है, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, रति। क्वेश्चन नंबर 72, विभत्स रस का स्थाई भाव कौन सा है, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, जुगुप्सा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, भरत मुनि में कितने रसों की चर्चा अपने नाट्य शास्त्र में की थी, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 74, सौमित कर नवनीत लिए स्पेस में कौन सा रस है, तो इसमें आप ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, वात्सल्य। क्वेश्चन नंबर 75, श्री गुरु वरुण सरोज रज निज वन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जसुद जो दामक फलचारी, दायक फलचारी, इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, दोहा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, किस छंद में 6 चरण होते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, छपे। क्वेश्चन नंबर 77, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो इसका ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा, 24। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, रफू चक्कर होना। नेक्स्ट देखिए, छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, बहुत कष्ट होना। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, आकाश पाताल का अंतर होना। काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 82, आँख शब्द का तत्सम रूप बताइए, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, अक्सी। क्वेश्चन नंबर 83, राखी शब्द का तत्सम रूप है, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, साक्षी। क्वेश्चन नंबर 84, रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, जापानी। क्वेश्चन नंबर 85, उत्थान शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, उत। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, अपना। क्वेश्चन नंबर 87, महर्षि में संधि है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा, सवर संधि। क्वेश्चन नंबर 88, स्वागतम में कौन सी संधि है, इसका ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा, यन संधि। 89 पर आ जाइए, जगदीश शब्द में जो है कौन सी संधि है, इसका जो है संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, जगत प्लस ईश, जगदीश। क्वेश्चन नंबर 90, महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 91, यशोदा का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जैसे प्लस द, यशोदा। क्वेश्चन नंबर 92 पर आ जाइए, निम्न शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताइए, सप्ताह, तो इसका ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा, दिगु। रोग पीड़ित, इसका ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। कर्मधारय समास निम्न में से किस शब्द में है, इसका ऑप्शन जो है सी से, नीलोत्पल। क्वेश्चन नंबर 95, द्वंद समास निम्न में से किस शब्द में है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा, जय पराजय। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, दिगु समास निम्न में से किस शब्द में है, जिससे आपको जो है संख्या का बोध होता है, दिगु समास होता है, तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो, चौराहा। क्वेश्चन नंबर 97, दावाग्नि शब्द का अर्थ है,
तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा, जंगल में लगने वाली आग। क्वेश्चन नंबर 98, किस शब्द का अर्थ मयूर है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा, केक। नेक्स्ट देखिए, पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंद्र। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी से हो जाएगा, अनग। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।